वो उनको कुछ पैसे भी दे रहा है। वो देखे वो देखे 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 कैमरामैन फोकस करे अगर वो उसको हम इनसे बात करते हैं। रुको हेलो मेरी बात सुनो लड़की मेरी बात सुनो एक मिनट। पैसे दो जिसे मर्जी ना लाइयो हमारे पास। वो तो वहाँ पे दो लड़के खड़े थे ना वो क्या कर रहे थे? तुम भी एक नहीं मांग रही थी तुम जिसमें फरोशी का धंधा कर रही थी यहाँ पे तुम किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। मैं करूँगी तुझे क्या फर्क पड़ता है तो यार फिर हम अपने घर का सर्किट कैसे चलाएंगे? बस क्या करें मजबूरी इंसान को बहुत कुछ करवा देती है। कैमरामैन दिखा सके यहाँ पे जितने भी लोग भीड़ है सब इसमें मुलविस होते हैं सब इन्हीं कामों में मुलविस है। कोई ना कोई बंदा इनको पैसे दे के जो है कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूँ आपकी मेजबान फरा इकबाल। नाज़रीन आज मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे एक साइड पे पार्क है। यहाँ पे कुछ लड़कियों को हम काफी देर से नोटिस कर रहे हैं कि वो यहाँ पे लोगों को छेड़ रही हैं तंग कर रही हैं। कुछ लोगों ने उनको पैसे भी दिए और उनके साथ भी गई हैं। हम घंटे डेढ़ से यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं। अभी उनको फॉलो करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कर रही हैं जिसमें फरोशी का काम कर रही हैं या भीख मांग रही हैं कर क्या रही हैं वो। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हम काफी देर से इनको फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़कियां राउंड लगा रही हैं कभी इधर से कभी उधर मतलब इन्होंने फोकस किया है कि ये कैमरा हम पे कर रहे हैं ठीक है और अभी वहाँ खड़ी होकर हमें देख रही हैं या पता नहीं क्या कर रही हैं। और दो लड़के भी अपने इनके पास अभी गुजरते हुए देखे हैं। ये देखें ये लड़कों से बात कर रही है पता नहीं क्या बात करी अंकल। ये देखें दो लड़के इनके पास आके खड़े हुए हैं ये उनसे कुछ ना कुछ बात कर रही हैं क्या कह रही हैं वो भी आगे से इनको रिस्पांस कर रहे हैं। वो उनको कुछ पैसे भी दे रहा है। वो देखे कैमरामैन फोकस करे अगर वो उसको कुछ उसको पैसे 100-500 रुपए भी दिया है वो उसको कुछ कह रहा है अभी। जी हम इनसे बात करते हैं। रुको हेलो मेरी बात सुनो लड़की मेरी बात सुनो एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो। अच्छा मेरी बात सुनो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी मेरी बात सुनो। तो मुझे बताओ कि तुम ये क्या कर रही थी तुम्हारे पास? वो तो वहाँ पे दो लड़के खड़े थे ना वो क्या कर रहे थे? मैं तो उनसे मांग रही थी। क्या मांग रही थी? मांग रही थी। उसने तुम्हें 100 रुपए दिए है? ठीक है। तुम्हें कुछ इशारे भी कर रहा था समझा भी रहा था? वो कह रहा था कि 80 रुपए मुझे वापस दे दो 20 रुपए आप रखो। तुमने उसको पैसे नहीं दिए? तो मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही? मेरी बात सुनो। एक मिनट मेरी बात सुनो। छोड़ दो यार मैं जा रही हूँ। अच्छा, नहीं मुझे ये बताओ कि तुम मेरी बात सुनो एक मिनट रुको मेरी बात सुनो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा यार मेरी बात सुनो। अच्छा क्या भीख मांगती हो? जी भीख मांग। कहाँ रहती हो? यही लेकिन तुम भीख नहीं मान रही। मैंने तुम्हें अभी देखा कि तुम 22 लड़कों को छेड़ रही थी ठीक है उनके साथ कुछ बात कर रही थी वो तुम्हें कुछ कह रहे थे? नहीं मैं बस भीख मांग रही थी। तुम भीख नहीं मांग रही थी तुम जिसमें फरोशी का धंधा कर रही थी यहाँ पे तुम किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी? तो मैं करूँगी तुझे क्या फर्क पड़ता है? देखो ये चीज गलत है। ये जो चीज गलत है जब हम है ही मांगने वाले वाला काम ठीक है आप करो लेकिन अगर आप जिसमें फरोशी करके इस तरह से पैसे कमाओगे तो ये चीज तो ठीक नहीं है ना यार। फिर हम अपने घर का सर्किट कैसे चलाएंगे? छोटे छोटे बहनों भाई अच्छा इधर आ जाओ ये पीछे भीड़ लग गई है तो हम थोड़ा सा इधर होके बात कर लेते हैं ताकि तुम्हें भी परेशानी ना हो और पीछे लोगों को भी जो है ना तमाशा हम नहीं लगा के दिखाना चाहते ठीक है। अच्छा तुम्हारे घर में और कौन है कमाने वाला? कोई नहीं है बस पापा छोटा सा भाई है वो अभी बहुत ज्यादा छोटा है। क्या उम्र है उसकी? 10-11 साल है बस। तुम्हारे साथ एक और लड़की भी थी जिसको मैंने पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गई है। क्या क्या लगती है तुम्हारी? वो मेरी सिस्टर है। तुम्हारी बहन है? क्या उम्र होगी तुम्हारी? मेरी 15 के करीब है। 15 साल तुम्हारी उम्र है और तुम ये काम कर रही हो? बस क्या करें मजबूरी इंसान का बहुत कुछ करवा देती है। नाज़रीन अभी ये हमें जो है बिहाइंड द कैमरा बता रहे थे कि इनके पेरेंट्स की वालिदा जो है वो भी यही काम करते हैं हम इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ए वालेकुम सलाम। ए रहने इन्हें मां ना शम्मा कारोबार की लड़की है
पैसे दो जिथे मर्जी ले जाओ, पैसे ना लिए ना बच्चे पैसे दे दो जिथे मर्जी तुम ले जाओ। हूं लगी फिर फूफी इन लगी फिर पर फूफी इन लगी फिर मतलब ये सारा का सारा खानदान ये काम कर रहा है। हाँ जी शुक्रिया। क्या तुम लोगों ने किसी को मतलब पढ़ी लिखी नहीं हो, कोई काम नहीं करते थे लोगों के घरों में काम कर लो? अब देखो आप हमारा तमाशा मत लगाओ, अब हमें जाने दो, हमारा काम का टाइम है, हमें मांगना है घर से मांगने के लिए। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम नहीं करो, तुम अपना काम करो। हाँ तो बहुत ज्यादा आते हैं ना, बहुत ज्यादा आके वीडियो भर देते हैं, हमें अब जाने दो प्लीज। लोग अगर तुम्हारी वीडियो बनाते हैं, तुम कैमरे में आती हो, तो तुम इस चीज को छोड़ क्यों नहीं देती हो? तो यार क्या करे, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, फिर उनका सरकट कौन चले? तो तुम्हारे भाई बाप सब किधर हैं? बाप तो वो देखिए आप सब अगर यहाँ पे तमाशा लगा के, यही वो लोग हैं जो इनको इन काम करने पे मजबूर करते हैं। आप सब जो कैमरामैन दिखा सके, यहाँ पे जितने भी लोग भीड़ है सब इसमें मुलविस होते हैं, सब इन्हीं कामों में मुलविस है। इनमें से कोई ना कोई बंदा इनको पैसे दे के जो है कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं, अभी जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो ये सारे यहाँ पे हजूम लगा के खड़े हुए हैं। मुझे बताओ कि डेली का कितना कमा लेती हो, कितने पैसे लेती हो? 200-300-400 बस, छोटे छोटे बहन भाइयों के लिए। मतलब अगर कोई बंदा तुम्हें कन्विंस करता है, मतलब तुम्हें कहीं लेके जाता तो भी तुम्हें 200-300 रुपए? छोटे छोटे बहन भाई हैं, फिर क्या करें? क्या पढ़ते हैं, पढ़ाती हो उनको? नहीं मैं तो घर का सर्कल ही पता नहीं किस तरह चलाती हूँ। नहीं घर का सर्कल चलाती हो ठीक है, बहुत ही मुश्किल से गुजारा करती हो, तो अकेली तुम ही कमाने वाली हो? नहीं साथ में एक और है, वो हमारी बहन, अभी मैंने देखा वो सभी लड़कों को छेड़ रही थी वहाँ पे, ठीक है, लेकिन अभी वो देखा है तो क्या नाम है? अच्छा थोड़ा सा इधर देखो जरा, महविश नाम है। तुम्हारा महविश नाम है जी? उसका क्या नाम है? उसका नाम कश्यप है। कश्यप है। कितने अरसे से यहीं पे रहते हो और यहीं पे भीख मांग रहे हो? हम तो हमारे जितने भी थे वो इधर ही रहते हैं। अच्छा तो तुम्हारी क्या बाकी भी बहनें वगैरह इसी तरह काम करती हैं? नहीं बाकी तो बहुत ज्यादा छोटी हैं, मैं चाहती हूँ कि अब उनको मांगने नहीं दूंगी, खुद लग के चुकी हूँ ना। मांगने वाला काम ठीक है, तुम लोग मांगते हो, समझ आ गई, लेकिन जिस्म फरोशी क्यों करते हो? यार हम मांगे ना तो हम क्या करें, आप बता दो ना, हम मांगना है, हमारा ये काम है, हम यही करेंगे। देखो मांगने पे मुझे तो क्या फर्क पड़ता है, तुम जिस्म फरोशी करते हो, 15 साल तुम्हारी उम्र है, मैच्योर भी नहीं हो तुम, और तुम रोज इन दरिंदों के हाथों चढ़ती हो। तो यार फिर क्या करें ना, तुझे क्या फर्क पड़ता है, इतने ज्यादा लोग तंग करते हैं और आप हमारी मदद करने के लिए आई हो, आपको भी क्या फर्क पड़ता है, जाने दो फर्स्ट करो। पुलिस ने कभी आके तुम लोगों को नहीं रोका कि तुम लोग यहाँ पे? वो तो खुद आके लड़ाई करते हैं, उन्होंने क्या कहना? पुलिस वाले तुम लोगों को क्या कहते हैं? वो तो कुछ नहीं कहते, कह रहे हैं घर का बस आप सरकट चलाती हो तो आप बदतमीजी किसी के साथ मत करो, हम कहते हैं। तुम लोग लड़ते हो यहाँ पे, कोई लड़ाई वगैरह होती है आपस में? नहीं अगर कोई लड़का तंग करे तो फिर उनको साथ जाहिर सी बात है लड़ाई तो करनी पड़ती है, कोई ज्यादा हद से गुजर जाए तो उसके साथ लड़ाई तो लेनी पड़ती है। लोग किस तरह के, तभी मैंने तुम्हें देखा कि लोग तुम्हें छेड़ भी रहे थे, कुछ पैसे भी दे रहे थे, ठीक है, तो क्या डेली बेसिस पे तुम्हें इन सारी हरकतों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल करना तो पड़ता ही है, छोटे छोटे बहन भाई हैं उनके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये काम छोड़ोगी कि नहीं छोड़ोगी? क्या मैं छोड़ दूंगी, मैं दोबारा नहीं करूंगी, दोबारा काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, किसी के घर में काम कर लूंगी, जिस तरह भी चला लूंगी, लेकिन ये काम